हेलो एवरी वैंड वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी इस सीरीज में आज हम इलेवंथ से लेकर थर्टीथ जून के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बट उससे पहले जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं तो इस बारी के आंसर्स ना सबके काफ़ी अलग अलग से थे पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम और सिर्फ यही आंसर है जो सब बिल्कुल सही दिया है कि सेफर फूड बेटर हेल्थ इसका नाम था सेवन्थ ऑफ जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा है इंडिया का तो वो है आई सी फिफ्टीन ठीक है आई सी फिफ्टीन ये इंडिया का पहला क्रिप्टो इंडेक्स था जो हमने अभी पढ़ा है क्रिएट वाला वो पहला इंडेक्स नहीं है इंडिया का ये जो था ये क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो वायर के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिप्टो वायर ठीक है ये भी ऑलमोस्ट सभी ने सिर्फ एक uh, स्टूडेंट को छोड़ के सभी ने इसका आंसर भी गलत दिया था तो ये आपको याद रखना आई सी फिफ्टीन है जो इंडिया का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जितेंद्र सिंह के पोर्टफोलियो आपने मेरे को बताने थे तो उनका वो यूनियन मिनिस्टर ना सिर्फ एक ही मेन जो मिनिस्ट्री है उसके हैं उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर हैं बट यूनियन मिनिस्टर वो एक ही के हैं अर्थ साइंसेज के ठीक है यूनियन मिनिस्टर हैं ये अर्थ साइंसेज के बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हैं ओके okay. तो यू नो एग्जाम में भी यही होता है कि हमें आ, लगता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आता है बट कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझ ही नहीं पाते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे इस वाले में आप कंफ्यूज हुए अब अगर मैं आपको क्रिएट क्रिएट वाला जो है वो पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे वही नहीं पूछूंगी ना कि ये है या नहीं है फर्स्ट मैं वो साथ में मैंशन कर देती कि ये फर्स्ट है ये वाला फर्स्ट है ठीक है और अर्थ साइंसेज वाला भी मैंने आपसे ये पूछा था कि उनके पास जो मेन पोर्टफोलियो है यूनियन मिनिस्टर किसके हैं वो तो अर्थ साइंसेज के हैं ठीक है मेन वही होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अगर आपसे पूछते हैं तो वो अलग से पूछते हैं उसमें आपको साथ में मैंशन कर दिया जाता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन से हैं तो मैंने अगर सिर्फ ये पूछा कि मिनि इनके पास कौन कौन से लाइक कौन सा पोर्टफोलियो है इनका तो वो मेन आएगा सिर्फ अर्थ साइंसेज वाला ओके okay? और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी किया था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ही हैं वो भी उनके पास पूरी मिनिस्ट्री नहीं है वो आ, नरेंद्र मोदी जी के अंडर है ठीक है तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं नाइन्थ जून को हमने एक डिमस किया था इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ये है मतलब रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के रिगार्डिंग जितनी भी अवेयरनेस चाहिए होती है अवेयरनेस स्प्रेड करनी होती है उसका मतलब इसका मेन पर्पस ये रहता है कि ट्रैक को केयरफुली ना क्रॉस करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एंड कितना इम्पोर्टेंट है रेलवे ट्रैकिंग रेलवे ट्रैक को प्रॉपरली क्रॉस करना ठीक है तो ये भी एक डे है इसको भी मनाते हैं हम मोटो क्या होता है इस डे को मनाने का डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क स्टे अवे फ्रॉम ट्रैक्स ओके थीम इस बार की क्या थी वनरेबल पीपल ट्वेल्थ जून को एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है ट्वेल्थ जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मतलब जितने भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग काम में जो इन्वॉल्व हैं उनको बचाना उनको काम से निकालना मतलब जब वो उनकी पढ़ने लिखने की या खेलने की उम्र है तो उसमें वो काम कर रहे हैं उसको अवॉइड करना इस डे का पर्पज़ होता है ठीक है और इस बार की थीम क्या थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर के केसेस इंडिया में भी बहुत देखे जाते हैं अभी भी देखे जाते हैं इतने सारे लॉज होने के बावजूद तो ये आपको याद रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्टीन जून को यानी कि आज के दिन इंटरनेशनल एल्बनिज़म अवेयरनेस डे मनाया जाता है ठीक है ये डे होता है एल्बनिजम एक डिजीज़ है उसके स्किन uh, डिजीज़ है ये एक तो उसके बेस पे जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती है उन लोगों को जितना भी अलग कर दिया जाता है उसको अवॉइड करने के लिए लोगों में इतनी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि ये इनकी एक प्रॉब्लम है उसके बेस पे उनको नहीं जज किया जा सकता या उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसकी अवेयरनेस के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनली थीम क्या थी इस बार की यूनाइटेड इन मेकिंग अवर वॉइस हर्ड ठीक है यूनाइटेड इन मेकिंग अवर वॉइस थर्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का विथ स्टेट या यूटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज फिफ्टीन लाख फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने आ, जो आपका स्टेट या यूटी है इसमें जो भी आंसर है उनके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उस स्टेट या यूटी के अंडर उनको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया है पंद्रह लाख का तो कौन सी स्टेट या यूटी ने वो इंट्रोड्यूस किया है ये हमसे पूछा है यहाँ पर वो किया है आपका यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने ठीक है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी ने ये डिक्लेयर किया है ये जो इंश्योरेंस कवर है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वहाँ के मनोज सिन्हा उन्होंने किया ठीक है तो आपको इनका भी नाम याद रखना है इन्होंने लॉन्च किया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जिसके अंडर जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है वो एक्सटेंड करेगा ये पर्सनल इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे कितने का है ये कवर पंद्रह लाख का आपको इसका अमाउंट याद रखना है सारे उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो इंश्योरेंस कवर है ये लागू किया जाएगा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा इन्होंने ये कहा है कि इंश्योरेंस का अमाउंट जो है ना वो पंद्रह से अब पच्चीस कर दिया जाएगा ठीक है अभी तक पंद्रह था अब उसको पच्चीस करने जा रहे हैं अब आ, ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू का इसमें और जम्मू एंड कश्मीर बैंक आल्सो लॉन्च दी फ़ोन पे लोन फैसिलिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये एक अलग इनका फीचर है इन्होंने क्या मतलब नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट जो एक इनिशिएटिव लिया है वो क्या लिया है फ़ोन पे लोन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ठीक है अपने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इस जो ये जो स्कीम है इसके अंडर क्या होता है जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं इनको भी सैलरी मिलती है वेजेस वाले नहीं वेजेस होते हैं जो डेली वर्कर्स होते हैं ठीक है सैलरी मिलगी जो प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे वो तो जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको Uh, अपना पर्सनल कंज़म्पशन के लिए लोन मिला आ, लोन मिलेगा या फिर कैश क्रेडिट की भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी सबसे कम लाइक डिस्काउंटेड रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे उनको बहुत ज़्यादा जो मतलब नॉर्मल लोगों को रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन पे उससे कम इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा तो ये एक फैसिलिटी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने की है ठीक है ये प्रोवाइड करवाई है इन्होंने फ़ोनपे लोन स्कीम ये फोन पे वाला नहीं है जो फोन पे वाला ऐप है ना वो वाला नहीं है ये फोन पे लोन अलग है ये ठीक है वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स लॉन्च बाय नरेंद्र सिंह तोमर अब नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इंडिया की पहली जो सेल्फ ग्रोन है या सेल्फ मेड है इंडिया में ही बनाई गई है ये वैक्सीन कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन है फॉर एनिमल्स तो ये लॉन्च की है नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या नाम है इस वैक्सीन का ये हमसे पूछा है इसका नाम है एनोकोवैक्स एनोकोवैक्स एनिमल्स से आपको याद रखना है एनोको वैक्स इसका नाम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ इसका नाम ही है ठीक है बाकी जो डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत वो भी हम देख लेते हैं एक बार ये जो वैक्सीन है ये डेवलप किसने की है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने किसके साथ मिलके नेशनल रिसर्च सेंटर के साथ मिलके ये हरियाणा में है नेशनल रिसर्च सेंटर इसके साथ मिलके इन्होंने ये जो वैक्सीन है ये लॉन्च की है और ये डॉग्स लाइन्स लेपर्ड माइस रैब इन सब के लिए सेफ़ है जितना अभी तक रिसर्च में आए इन सब के लिए सेफ़ है कोविड से ही बचने के लिए इनके लिए वैक्सीन जो है वो बनाई गई है ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं किसके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के ओके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है कि अकॉर्डिंग टू द यू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी विच कंट्री हैज़ रैंक फर्स्ट इन द टॉप टेन ग्लोबल इकोनॉमीज़ फॉर एफ डी आई इन ट्वेंटी अब जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना जो 2021 के हिसाब के अगर 2021 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमसे पूछा है कि कौन सी कंट्री है जो टॉप uh, टेन वाली लिस्ट में टॉप पे है मतलब फर्स्ट रैंक है उनकी टॉप टेन ग्लोबल इकोनॉमीज वाली लिस्ट में एफ uh, डी के लिए तो ये हाँ इसका आंसर हमसे पूछा गया कि टॉप कौन कर रहा है टॉप कर रहा है इसमें ठीक है यूएसए इसमें टॉप कर रहा है सेकेंड पे चाइना है थर्ड पे हांगकॉन्ग है और फोर्थ पे सिंगापुर है अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इसमें सेवन्थ रैंक पे ठीक है थीके? अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूएनसी टी एडी यूएनसी टीएडी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है ट्रेड एंड डेवलपमेंट इनकी एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की जिसका नाम क्या था रिपोर्ट का इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इसमें इंडिया की रैंक सेवन्थ है जैसे कि हमने भी डिस्कस किया हालांकि जो इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो पिछली पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस बार बहुत कम थी बट स्टिल इंडिया ने टॉप टेन में अपनी जगह बनाई और सेवन्थ रैंक इसमें हासिल की है ठीक है टॉप टेन इकोनमीज अगर हम देखें तो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लोगे तो कुछ बुरा भी नहीं है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूएस चाइना इंपॉर्टेंट है मैक्सिको क्योंकि लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया की रैंक सबसे ज़्यादा ये ये और ये है वैसे इतनी मैक्सिको भी नहीं होगी बट अगर हम देखें तो यूएस चाइना हांगकांग ये टॉप थ्री हैं और इंडिया जो है वो सेवन्थ रैंक पे इस पर ठीक है नेक्स्ट हमें एक और यहाँ पे डिटेल है कि इंडिया लॉन्च दी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अब इंडिया ने क्योंकि इंडिया की जो एफ थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो पहले के हिसाब से कम हुई है तो उसको वापस इम्प्रूव करने के लिए उसको फिर से एक लेवल पे लाने के लिए इंडिया ने एक स्टेप इंट्रोड्यूस किया है क्या है वो स्टेप नेशनल सिंगल विंडो आ, सिंगल विंडो सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो एक वन स्टॉप शॉप रहेगी मतलब कि जितने भी अप्रूवल्स या क्लियरेंसेज चाहिए होती है ना Uh, किसी भी इन्वेस्टर्स को या ऑन्ट्रप्रनोर्स को या फिर बिजनेस को उनके लिए एक स्टॉप शॉप हो जाएगी मतलब कि एक ही डेस्टिनेशन हो जाएगी सारी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेज जो भी इनको चाहिए होंगी वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और हम और थोड़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट uh, कर सकेंगे और अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वापस एक लेवल पर जा सकेंगे ठीक है तो ये इस सिस्टम का नाम आपको याद रखना नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सिंगल विंडो नाम ही ये बता रहा है कि एक वन स्टॉप शॉप रहेगी इन अप्रूवल्स और क्लियरेंसेज के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च ईज फाइव पॉइंट ओ पब्लिक सेक्टर बैंक कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा अब जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ईज फाइव पॉइंट ओ ये जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनके लिए एक रिफॉर्म एजेंडा है ठीक है तो ये बोला कि ये किसने लॉन्च किया है ये लॉन्च किया आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन उन्होंने ठीक है अब इसकी डिटेल्स देखेंगे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ईज फाइव पॉइंट ओ में ईज़ की डेफिनेशन ई ए एस सी की डेफिनेशन क्या है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ठीक है ये आपकी ईज़ की डेफिनेशन है फाइव पॉइंट ओ है मतलब कि ये इसकी फिफ्थ एडिशन है ओके okay, यहीं से आपको पता लगे फाइव पॉइंट ओ है जो इसकी पहली एडिशन थी वो जनवरी 2018 में लॉन्च हुई थी ठीक है अब ये इसका क्या पर्पस है ये ईज फाइव पॉइंट ओ के जो रिफॉर्म्स हैं इनका क्या पर्पस है मेनली किस लिए लॉन्च किए गए हैं इन्हांस्ड डिजिटल एक्सपीरियंस डाटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए मतलब कि बैंकिंग को थोड़ा और क्लीन और स्मार्ट रखा जा सके ठीक है जो बैंकिंग की प्रोसेस होती है पूरी उसको थोड़ा और अच्छा किया जा सके क्लीन और थोड़ा और स्मार्ट बनाया जा सके उसके लिए ये जो ईज रिफॉर्म्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया गया था दो में अच्छा ये किस एक प्रोजेक्ट के अंडर है ईज नेक्स्ट प्रोग्राम एक है उसके अंडर ये जो ईज एजेंडा है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है और ये जो ईज फाइव है जो इस बारी का एडिशन है फिफ्थ एडिशन है ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देगा डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस पे अब 2018 से लेके अभी तक में अगर हम देखें तो कितना डिजिटल रिफॉर्म्स कितने आए हैं ना कितना ज़्यादा डिजिटल हो गया सारा बैंकिंग सेक्टर है ना डिजिटलाइजेशन uh, वगैरह कितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो इसके लिए जो एक डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा उसको बढ़ावा देंगे हम इस वाली एडिशन में और साथ के साथ इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव बैंकिंग पे भी बहुत फोकस रहेगा इसमें और स्मॉल uh, कंपनीज और एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी बैंकिंग uh, uh, वहाँ पर इन्वॉल्व होती है उनको भी और थोड़ा बेटर किया जाएगा ठीक है उनको भी थोड़ा और डिजिटल किया जाएगा और उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा और एनहांस करने के लिए ये वाले जो ईज फाइव पॉइंट ओ है इसको इंट्रोड्यूस uh, किया है ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद जेस्ट मनी टू एक्सपैंड कार्डलेस ईम फैसिलिटी अब जेस्ट मनी एक uh, uh, प्लेटफॉर्म है उसके साथ फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने पार्टनरशिप की है ताकि कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी वो इंट्रोड्यूस कर सकें अगर इसके बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा पहले ये एक बैंक मतलब पहले भी ये न्यूज में था कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी के लिए तो किस जेस्ट मनी के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है अब उसको एक्सपैंड करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए किया ठीक है अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस पहले कर दिया था अब इन्होंने ये एक्सपैंड किया है ठीक है बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस uh, किया था कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी को अब एक्सपैंड करने के लिए जेस्ट मनी के साथ भी पार्टनर कर लिया है ठीक है अब हम ये देखते हैं कि आईसीआईसी uh, बैंक ने पार्टनर किया है जो डिजिटल ईएमआई या फिर पे लेटर प्लेटफॉर्म है ये जेस्ट मनी जो है वो एक ई या फिर पे लेटर प्लेटफॉर्म है मतलब कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में जो हम पैसा पे करते हैं या धीरे धीरे करके जो पैसा पे करते हैं वो मेन एक मोटिव है इस एक प्लेटफॉर्म का जेस्ट मनी का तो इनके साथ इन्होंने पार्टनर किया है ताकि ये जो कार्डलेस ईम वाली इनकी फैसिलिटी है उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकें ठीक है ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन uh, होती हैं रिटेल ट्रांजेक्शन होती हैं या फिर ई e कॉमर्स वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनमें Uh, थोड़ा और uh, जो ई एम आई वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके कस्टमर्स कैन कन्वर्ट ट्रांजेक्शन अप टू टेन लाख ये अमाउंट आपको याद रखना है ये लिमिट आपको याद रखनी है ठीक है दस लाख तक की वो जो ट्रांजेक्शन हैं उनको ई एम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं ई एम आई की फुल फॉर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बैंकर्स के लिए ऐसी सी चीज़ें ना ये जो आपकी ऐसी ऐसी टर्म्स होती हैं ये टर्मिनोलॉजी बैंकिंग वाली काफ़ी और स्पेशली जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत आती है तो ये आपको याद रखना है इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट्स इक्वेटेड मतलब इक्वल अमाउंट्स uh, में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं जो इंस्टॉलमेंट्स उनको बोलते हैं ये ठीक है इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट्स ई एम आईज ठीक है द बैंक्स कस्टमर्स विल ऑल्सो बी एबल टू यूज जेस्ट मनीज फ्लैगशिप पे इन थ्री ऑफरिंग वेयर दे कैन स्प्रेड द बिल इंटू थ्री ई एम आईज विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट अब ये जो जो आई सी आई सी बैंक के कस्टमर्स रहेंगे उनको ना जेस्ट मनी का ही एक प्रोग्राम है एक और इनका एक ऐसा स्कीम है पे इन थ्री वाली ठीक है पे इन थ्री जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि तीन अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में एक बिल को आप स्प्लिट कर सकते हो और बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप उन उसको उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे, पे कर सकते हो ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि इनकी एक फ्लैगशिप है ये पे इन थ्री आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि पे इन थ्री किसकी एक स्कीम है ठीक है या किसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तो वो आपको याद रखना है जेस्ट मनी का अच्छा इसके अलावा ये जो मैंने आपको अभी कहा कि जो कार्डलेस ईम वाली फैसिलिटी है आई की वो कब इंट्रोड्यूस किया उन्होंने दो में ठीक है 2020 में आई बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बन गया था जिसने कार्डलेस ईम वाली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी ताकि कार्डलेस परचेज कैशलेस परचेजेस को थोड़ा और बूस्ट किया जा सके उसको या उस फैसिलिटी को थोड़ा और अवेल uh, करवाया जा सके तो आपसे यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि आई बैंक सॉरी कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहली बार कार्डलेस ईम वाली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी तो वो आई बैंक था इसने दो में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है विच कंट्री हैज़ रिलीज द वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड टू डेट मैप ऑफ द मून अब ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आगे कौन रहता है अगर हम सिर्फ अपनी कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ करें चाइना ठीक है चाइना ऐसी ऐसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे तो आपको ये याद रखना है कि चाइना ने एक अभी तक का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड जो है मैप uh, एक मून का वो रिलीज़ करने वाला है वो रिलीज़ किया है चाइना ने तो ये जो मैप है ये एक जियोलॉजिक मैप है या जियोलॉजिकल मैप है ये वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड टू डेट मैप है मून का ठीक है ये जो मैप है ये साइंटिफिक रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा अगर हम मून को मून का मैप है, अब आप ये सोचो कि मून का मैप है अगर वो इतना प्रॉपर और इतना डिटेल होगा तो ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक्सप्लोर कर पाएंगे हम मून को और अच्छे से और साथ में लैंडिंग साइट्स हम मून पे देख पाएंगे ठीक है हमारे जो भी रोवर्स वगैरह जाते हैं वो वहाँ पर कहाँ लैंड करेंगे आ, या जो हाँ यहाँ से जाते हैं रोवर्स वगैरह उनकी प्रॉपर लैंडिंग में भी हेल्प मिलेगी तो वो सारी रिसर्च वगैरह में ये हेल्पफुल रहेगा ये वाला मैप और चाइना जो है इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाइना दुनिया का पहला ऐसा स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन भी लॉन्च करने जा रहा है ठीक है ये आई गेस 2028 में इन्होंने प्लान किया हुआ है या 2030 तक उसकी मतलब 2028 में ये इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और 2030 तक इनको शायद पहुंचना है वहाँ पर ऐसा कुछ है ये जब भी लॉन्च होगा तो, तो, तो इसकी प्रॉपर डिटेल्स होंगी बट टिल देन आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना दुनिया का पहला सोलर पावर स्टेशन बनाने जा रहा है ठीक है स्पेस बेस्ड सिर्फ सोलर पावर स्टेशन ही है स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ तक ट्रांसमिट करेगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है ये जाना का एक और पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है यूएन या जो यूएन की जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब कि अलग अलग भाषाओं में बात करना या बहुभाषावाद जिसको कहते हैं और को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया ये जो मल्टी है ये को स्पॉन्सर्ड किसने किया है ये किसका आइडिया है ज़्यादा इंडिया का दिस रेजोल्यूशन मैंशनड विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम अब इस रेजोल्यूशन में यू जनरल असेंबली ने पहली बार कौन सी लैंग्वेज को मैंशन किया है ये हमसे पूछा है ठीक है तो फॉर द फर्स्ट टाइम किस किस लैंग्वेज को किया है ऑल ऑफ द अबव को हिंदी उर्दू और बांग्ला इन तीनों लैंग्वेज़ को पहली बार इस रेजोल्यूशन में मैंशन किया गया है ठीक है अब क्या पर्पज़ है ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का या कुछ भी अगर पहली बार हुआ है तो क्यों हुआ है इसका क्या पर्पज़ होता है ये जो रेजोल्यूशन है ना ये यू ने इसलिए किया है ताकि जितनी भी वो कॉम्युनिकेशन होती है यू जनरल असम्बली में उनको उनकी कॉम्युनिकेशन को या उनके मैसेजेस को सारी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आ, आगे ऑफर किया जा सके ताकि जो मल्टी है या बहुभाषावाद है उसको और प्रमोट किया जा सके ठीक है जो मेन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो सिक्स हैं ठीक है यूएन जनरल असेंबली में सिक्स टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें अरेबिक है चाइनीज है इंग्लिश है फ्रेंच है रशियन है और स्पेनिश है ये सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं यू की यूनाइटेड नेशंस की और इंडिया के आ, इंडिया का परमानेंट मैंबर हम बाद में देखेंगे ये सिक्स है ना ऑफिशियल इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेज भी हैं जैसे जो हमने अभी पढ़ी हिंदी बांग्ला उर्दू इन सब में भी कम्युनिकेशन हो सके ताकि जो ऐसे लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं या जो हिंदी हाँ हिंदी डोमिनेटेड है जहाँ पर ज़्यादा जगह हैं उनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना उनको भी वहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके तो बेसिक इनका ये पर्पस होता है ठीक है अगर हम बात करें कि इंडिया को परमानेंटली कौन वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में तो वो हैं टी एस तिरुमूर्ति इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है टी एस तिरुमूर्ति जो है वो इंडिया को इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यू में ठीक है अच्छा हिंदी एट यू नाम का एक इनिशिएटिव भी था जो इंडिया ने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशंस में कब किया था 2018 में और किस लिए किया था क्या पर्पस था इसका हिंदी एट यूएन का टू इंक्रीज़ पब्लिक आउटरीच ऑफ यूएन इन द हिंदी लैंग्वेज थोड़ा और वहाँ पर जनता तक ये हिंदी लैंग्वेज हमारी पहुँच सके उसके लिए हिंदी एट यू जो है वो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें हम किस किस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना उनकी भी अगर कोई ग्लोबल इश्यूज हैं तो उनको भी वहाँ पर सुना जा सके उनको भी वहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके इसके लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको हमने चलाया था हिंदी एट यू को ठीक है to promote Hindi at in the United Nations. Next, हमारे पास और last question आज का क्या है कि NASA's Venus mission, the Vinci, is set to launch in which year? ये बहुत ज़्यादा important question है आपका. NASA का एक Venus पे जाने वाला एक mission start हो रहा है, the Vinci. ठीक है? तो ये कब कब launch होने वाला है ये? ये जो mission है, ये कब launch होगा? ये हमसे पूछा है. 2029 में. ठीक है? ये mission 2029 में launch होगा. नासा नासा uh, का जो ये वीनस का मिशन है द वेंची इसमें द विची की जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डीप एटमोसफेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग द विंची मिशन ठीक है और ये कोई uh, इंसिडेंस नहीं है कि ये द विंची है इसका नाम द विंची इसलिए भी है क्योंकि जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं साइंटिस्ट हैं लियोनार्डो द विंची उनके uh, नाम पे भी इसको रखा गया है ठीक है उन्हीं के ही uh, बाद ये जो दवेंची मिशन है इट इज नेम्ड आफ्टर लिनार्डोची और ये जून 2029 में, 2029 में ये लॉन्च होगा और वीनस में कब पहुंचेगा ये जून 2031 में दिस मिशन विल इंक्लूड बोथ फ्लाइंग बाय वीनस एंड डिसेंडिंग थ्रू द हार्श एटमॉस्फेयर इन 2029 मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वीनस तक जा रही है इनकी स्पेसशिप या इनका स्पेसक्राफ्ट बट वीनस के जितना हार्श एटमोसफेयर है वहाँ का उसमें भी ये रह सकें या उसको भी ये डील कर सकें उसके साथ भी वो इसका पर्पज़ रहेगा इस मिशन का अच्छा वीनस को ना का ट्विन भी कहते हैं ठीक है वीनस को Earth का ट्विन भी कहते हैं उसकी जो भी डेंसिटी है या उसका साइज है उसकी वजह से ओके okay? ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन थी अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के फिनो पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम मीडियम बिजनेस ओनर्स विद शॉप इंश्योरेंस कवरेज इसमें मेन क्या है कि शॉप इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करवाने के लिए जितने भी स्मॉल या मीडियम बिजनेस के ओनर्स रहते हैं या छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनमें अपनी जो शॉप है जिन उनकी जितनी भी शॉप्स वगैरह रहेंगी उनको इंश्योरेंस कवर मिल सके उसके लिए फीनो पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ पार्टनरशिप किया है ठीक है नेक्स्ट है कि बेंगलुरु बेस्ड एथर आ, एनर्जी जो कि एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं टू व्हीलर्स बनाते हैं उन्होंने पार्टनर किया है एस के साथ ताकि वो व्हीकल की फाइनेंसिंग कर सकें अपने कस्टमर्स को व्हीकल फाइनेंसिंग का एक जो बेनिफिट है वो दे सकें ठीक है एस और एथर एनर्जी व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए पार्टनर किया है इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अब जो थे ये सेकेंड एडिशन एक्सेलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग इसको लॉन्च किया गया है तो ये कहाँ पर हुए न्यू डेली में अनाउंस हुए इस इन अवार्ड्स के अकॉर्डिंग राजकोट जो है गुजरात में उसने टॉप किया है ठीक है इस इंडेक्स में टॉप किया है राजकोट गुजरात में और सेकंड नंबर पे है इस पर कचर इन असम थर्ड पे है इसमें सतारा इन महाराष्ट्र ओके okay. सिर्फ टॉप थ्री याद रखने इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट हमारे पास है कि आईएमएफ के जो एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उन्होंने अपॉइंट किया है इंडिया की इंडिया के कृष्णा श्रीनिवासन को एज द डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट सिर्फ जो आईएमएफ का एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर बना दिया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को जो इंडिया से बिलोंग करते हैं ठीक है आई की जो एम हैं उनका नाम भी आपको याद रखना जरूरी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है तजिकिस्तान फ़ारुख़ अमोनोफ़ वॉन दी इनागरल महाराष्ट्र इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट महाराष्ट्र में ये मतलब ये इनाग्रल है मतलब कि पहली बार ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था महाराष्ट्र का टूर्नामेंट था तो महाराष्ट्र में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया था इसके विनर कौन है तजिकिस्तान के फारूक अमोनोफ़ ओके नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि व्हाट्सएप इंडिया हैज़ लॉन्च दी एस एम बी साथी उत्सव इनिशिएटिव टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस यूज डिजिटल मीडिया लाइक व्हाट्सएप ताकि उनका बिजनेस जो है वो बढ़ सके व्हाट्सएप इंडिया ने एस एम बी या स्मॉल साथ साथी उत्सव एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें व्हाट्सएप के यूज से स्मॉल बिजनेसिस को ग्रो करवाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर कि इंडिया एक्सटेंड श्रीलंका 55 मिलियन का फिर से क्रेडिट लाइन मतलब कि इंडिया ने फिर से 55 मिलियन यूएस डॉलर्स की हेल्प प्रोवाइड करवाई है श्रीलंका को इस बार किसके लिए करवाई है फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स के लिए ताकि वो फ़र्टिलाइजर्स को इंपोर्ट कर सकें इसके लिए श्रीलंका को ये हेल्प दी गई है इससे पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि इंडिया ने श्रीलंका को बहुत हेल्प किया है क्योंकि श्रीलंका जो इस टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी होगी है तो टोटल तो अगर हम देखें क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ों को हर बार नहीं डिस्कस कर सकते <clears throat> टोटल अगर देखेंगे इंडिया ने कितना सपोर्ट किया है श्रीलंका को 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास अब वो अमाउंट चले गया है जो इंडिया ने श्रीलंका को दिया है फाइनेंशियली हेल्प किया है ठीक है और इंडिया का एक नेबरहुड फर्स्ट नाम का इनिशिएटिव है जिसके अंडर इंडिया इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एन पी इन्होंने लॉन्च किया है एक सिस एप्लीकेशन जिसके अंडर जो किसके अंडर बाल स्वराज पोर्टल के अंडर एक पोर्टल है उसके अंदर ये एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है बाल स्वराज पोर्टल का नाम है एप्लीकेशन का नाम है सिस सिस की क्या फुल फॉर्म है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस इसमें जितने भी स्ट्रीट पे रहते हैं बच्चे उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग या मतलब उनके रिगार्डिंग स्टेप्स उठाए जाएंगे तो ये एप्लीकेशन भी आपका नाम मतलब इसमें नाम याद रखना है इस एप्लीकेशन का सिस एप्लीकेशन ठीक है नेक्स्ट पॉइंटर है द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन या आई वर्ल्ड कप 2022 ट्वेंटी टू वॉज हेड एन बाकू अजहर अजहरबाईजान इंडिया इसमें टोटल फाइव मेडल्स लेके आया है जिसमें दो गोल्ड हैं तीन सिल्वर हैं और इंडिया की ओवरऑल फिफ्थ पोजीशन है ठीक है फिफ्थ पोजीशन है ये आपको याद रखना है टॉप किस में किसने किया इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने सेकंड पे यूएसए से बस इतना याद रखना कि टॉप कोरिया ने किया है सेकेंड पे यूएस और फिफ्थ पोजिशन है इंडिया की विथ फाइव गोल्ड मेडल्स नेक्स्ट है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर जो हैं आर प्रज्ञानंद उन्होंने एक और चैम्पियनशिप जीती है नॉर्वे की चेस चैम्पियनशिप है बट ये ग्रुप ए वाली है ये एक कैटेगरी में इन्होंने जीती है ओवरऑल कौन ओवरऑल जो विनर है वो है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ही हैं ये ओवरऑल ये जीते हैं अदरवाइज़ अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रुप ए में कौन जीता है तो वो आर प्रज्ञानंद जीते हैं ठीक है टेंथ एडिशन थी ये नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की दो की और इस लिस्ट में अगर ओवरऑल वाली लिस्ट में देखा जाए तो फर्स्ट पे मैग्नस हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट नहीं है थर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विश्वनाथन आनंद जो हमारे काफ़ी फेमस ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के ये थर्ड पोजिशन पर इस पर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है दी डब्ल्यू एच ओ हैज अवॉर्डेड द रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल ई आर सी टी सी किसके अंडर किस, under, किस uh, एक इंस्टीट्यूट uh, ने इसको लॉन्च किया था जो इधर पी जी आई है ना चंडीगढ़ में इनको मिला ये अवार्ड टोबैको कंट्रोल के लिए जितने भी इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं उसके लिए इनको रेकोगनाइज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इनको जो अवार्ड मिला है उसका क्या नाम है रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रेकोगेशन अवार्ड ठीक है ये अवार्ड मिला इनको टोबैको तो कंट्रोल के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाएं उसके लिए नेक्स्ट पॉइंटर है कि यू सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गट्रेस अपॉइंट्स इंडियन डिप्लोमैट अमनदीप सिंह गिल एज एन ऑन टेक्नोलॉजी ठीक है मतलब एंटोनियो गट्रेस जो हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं इन्होंने अपने अंडर अमनदीप सिंह गिल जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको अपॉइंट किया है अपने अंडर किस में टेक्नोलॉजी के जितने भी इशूज़ रहेंगे वहाँ पर इनकी हेल्प मिलेगी अब अमनदीप सिंह गिल इनका नाम है तो ये अपॉइंटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब आज के क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उनके हेड क्वार्टर कहाँ पर है सेकेंड क्वेश्चन है यू एन सी टी ए डी के हेड क्वार्टर और उसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं थर्ड क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक अभी हमने जिसके बारे में बात की उसके हेडक्वाटर कहाँ पर है हेडक्वाटर तो बहुत ईजी है एम कौन है उसके ये बताना है आपने मुझे ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं हमने पढ़ा बे इनके बारे में तो ये भी बताना है इनमें से कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तब तक के लिए बाय